हेलो एवरीवन, वेलकम टू XY एक्सिस एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिटेल में एनालाइज करेंगे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बेसिकली है क्या। मान लीजिए कि आपने बैंक से एक लोन लिया और लेट्स से कि आपके पास अभी पैसे नहीं है उस लोन को रीपे करने के लिए, या फिर हो सकता है कि आप इंटेंशनली चाह रहे हैं कि मैंने जो बैंक से पैसा लिया उसको मैं नहीं भरूंगा, या फिर किसी भी और कारण से आपने जो बैंक से पैसा लिया है वो आप भर नहीं पा रहे हैं। उस केस में हम ये देखेंगे कि बैंक आपके साथ क्या कर सकता है और उस चीज का क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। हर चीज को डिटेल में एनालाइज करेंगे। इसके अलावा भी बैंकिंग एंड अवेयरनेस की ऑलमोस्ट हर वीडियो को हम अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको XY एक्सिस एजुकेशन की हर नोटिफिकेशन आती रहे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अब इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले कि बैंक आपके साथ क्या करेगा या फिर क्या उस चीज का सॉल्यूशन हो सकता है कि अगर आप बैंक का पैसा रीपे नहीं करते हैं, हमें सबसे पहले समझना होगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NPA बोलते हैं, वो बेसिकली है क्या। देखो, NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स समझने से पहले हमें सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझना होगा कि एसेट्स और लाइबिलिटीज में क्या डिफरेंस है। देखो, अब सबसे पहले यहां पे समझते हैं एसेट्स क्या होते हैं और एक बार हमें समझना होगा कि लाइबिलिटीज क्या होती है। देखो, एसेट्स मतलब जो भी चीज आपकी है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपका एक लैपटॉप है, ठीक है, ये क्या है, आपका एसेट्स है, एसेट है आपका, ठीक है। आपके पास कार है, वो भी आपका एसेट है। आपके पास आपका घर है, वो भी आपका एसेट है। यानी जो भी चीज आपके पास है वो क्या है, आपका एसेट है। मान लीजिए अब आपने मेरा लैपटॉप अपने पास लिया, आपने बोला कि एक दिन के लिए मुझे अपना लैपटॉप दे दीजिए, मैंने अपना लैपटॉप आपको दे दिया, तो ये क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब क्या है, जवाबदारी। यानी कि आज जो आपने मेरे से चीज बोरो करी है वो आपकी जवाबदारी है ना, कि आप मेरे को कल को वापस दोगे। तो मान लीजिए आपने मेरे से एक दिन के लिए लैपटॉप दिया, आपने मेरे से मेरा लैपटॉप मांगा, तो ये आपकी लाइबिलिटी होगी कि ये मुझे आप रिपे करोगे। आपने बोला कि एक दिन के लिए अपनी गाड़ी मुझे दे दीजिए, तो आप, मैंने कहा ठीक है आप मेरी कार ले जाओ, तो कल आपको मेरी कार मेरे को लौटानी है, तो ये क्या है, आपकी अभी लाइबिलिटी है। अब इसी चीज को अगर बैंकिंग टर्म्स में समझे तो लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी हो गई डिपॉजिट्स, ठीक है। बैंक में जो भी डिपॉजिट होता है वो क्या होता है, बैंक की लाइबिलिटी। जैसे कि मान लीजिए आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा, आपने करंट अकाउंट में पैसा रखा, आपने बैंक में FD कराई, तो इनडायरेक्टली क्या है, ये आप बैंक को पैसा दे रहे हैं और कल को आप अपना पैसा बैंक से मांगेंगे, तो बैंक के लिए ये क्या है, बैंक को कल, आज नहीं तो कल कस्टमर को उसका पैसा लौटाना है, तो ये बैंक के लिए क्या है, सारा कुछ बैंक की लाइबिलिटी है। अब बैंक क्या करता है, जैसे ही ये पैसा बैंक के पास आता है, बैंक ये वाला पैसा दूसरे कस्टमर को दे देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन, ठीक है। ये किस फॉर्म में देता है, लोन। तो इनडायरेक्टली ये पैसा जो लोन की फॉर्म में कस्टमर को दिया है वो है तो बैंक का ही पैसा, तो बैंक के लिए क्या है, ये बैंक का एसेट है। क्यों, क्योंकि ये किसका है, बैंक का है, ठीक है। अब हम एसेट समझ गए, एसेट्स क्या है, एक तरह से इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, एसेट्स क्या है, लोन्स है, ठीक है। अब लोन्स है तो, लेकिन अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी को लेट्स से आपने किसी को जो है किसी भी टाइप का लोन दिया, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी को पर्सनल लोन दे दिया, ठीक है। आपने पर्सनल लोन, मान लीजिए बैंक ने पर्सनल लोन किसी भी कस्टमर को दे दिया, अब जो ये लोन है ये बैंक के लिए क्या है, एसेट है। बैंक ने तो ये सोचा था ना कि मुझे ये वापिस, मेरा एसेट्स इंटरेस्ट के साथ वापिस मिलेगा। लेकिन अब जो जिस कस्टमर को ये एसेट बैंक ने दिया था वो कस्टमर बैंक को पैसा रीपे कर ही नहीं रहा है, तो उस केस में बैंक के लिए ये क्या हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी इस एसेट से बैंक को उसका पैसा वापस मिल ही नहीं रहा है। इंटरेस्ट तो दूर की बात, बैंक को अपना जो प्रिंसिपल था यानी जो मूलधन था वो भी वापस नहीं मिल रहा है, तो बैंक के लिए ये वाला एसेट क्या हो जाएगा, ये वाला एसेट बैंक के लिए हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ये एसेट परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में भी बहुत तरह की जो है डिवीजन है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मान लीजिए एसेट्स को अगर हम समझे ना, मान लीजिए एसेट है, ठीक है, आपने किसी कस्टमर को दिया, कस्टमर जो है टाइम टू टाइम बैंक का पैसा रीपे कर रहा है, यानी पहली किस्त जनवरी की थी तो जनवरी में दे देता है, फरवरी की थी तो फरवरी में, बिल्कुल रेगुलर कस्टमर है, तो उस एसेट को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एसेट्स, यानी बिल्कुल स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको बैंक ने लोन दिया 1 जनवरी को, ठीक है, आपको 1 जनवरी को लेट से कि आपकी पहली EMI थी, ठीक है, आपने जनवरी में नहीं भरी, फरवरी में भी नहीं भरी और मार्च में भी नहीं भरी, यानी आपको 90 डेज हो गए आपने
लगातार आप 3 महीने से जो बैंक की ईएमआई है वो नहीं भर रहे हो, ठीक है। तो ये वाला जो केस है ये किस में चला जाएगा, सब स्टैंडर्ड एसेट में, ठीक है। ये स्टैंडर्ड नहीं रहा, अभी ये केस किस में चला जाएगा, सब स्टैंडर्ड एसेट्स में, ठीक है। और एनपीए ये 90 डेज के बाद ही डिक्लेयर हो जाएगा, यानी यहां पे जो एसेट है बैंक का वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे पहले एनपीए की कौन सी किस में रखेंगे, एनपीए में, एनपीए में हम इसको रखेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट्स में। अब लेट्स से कि अब यहां पे 90 डेज हो गए, आप तब भी नहीं भर रहे हो और लगातार आपको डिफॉल्ट करते करते 12 मंथ्स हो गए, ठीक है। आप 12 मंथ्स तक भी नहीं भर रहे हो तो इसको किस लिस्ट में रख दिया जाएगा, डाउटफुल एसेट में। यानी अब बैंक को यह लगने लगा है कि इधर से पैसा आना मुश्किल ही है, ठीक है। बैंक को डाउट होने लगा इस एसेट के ऊपर। अब 12 मंथ्स हो गए, अब 12 महीने के ऊपर जैसे ही टाइम कटेगा ना तो बैंक इसको डिक्लेयर कर देता है लॉस एसेट। अब ये लॉस एसेट किसको डिक्लेयर करता है, हर बैंक ये डिक्लेयर करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। लेट्स से मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का लोन बैंक से लिया। अब 1 लाख रुपए का आपने बैंक से लोन लिया और आपको नहीं भरते भरते, आपको मान लीजिए आपके जो पेंडिंग ड्यूज है बैंक को वो 1 लाख रुपए है, आप अभी बैंक को नहीं दे रहे हो, तो बैंक क्या करेगा, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा नहीं लौटा रहे हो, तो जैसे ही 1 साल से ज्यादा टाइम होगा तो बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आपके नाम के साथ ये वाली लिस्ट दे देगा और उसमें बोलेगा कि मेरा जो एनसीएल है वो 1 लाख रुपए। अब ये एनसीएल क्या है, एनसीएल होता है नेट क्रेडिट लॉस, ठीक है। तो नेट क्रेडिट लॉस, अब ये आपको मतलब आपके लिए कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा, बस बैंक अपना लॉस दिखा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि मुझे यहां से 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो जैसे हर साल लिस्ट निकलती है हर बैंक के एनपीए की, टोटल एनपीए की, तो उस लिस्ट में ये 1 लाख रुपए भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनसीएल जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेज देता है बैंक। उसके बाद मान लीजिए कि आप जो है अपना लोन 2 साल से नहीं भर रहे हो, ठीक है। आप आपने 1 लाख रुपए लिया था 2016 में, अभी 2020 आ गया लेट से, ठीक है। आपने 4 साल से कोई पैसा बैंक को नहीं दिया। अब मान लीजिए आपका एकदम दिमाग घूम गया, आपके पास कहीं से पैसा आ गया और आपने जो है बैंक का सारा पैसा पूरा का पूरा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पूरा का पूरा रीपे कर दिया, तो उस केस में जो आपका अकाउंट है वो अपग्रेड हो जाएगा, एनपीए से अकाउंट आ जाएगा स्टैंडर्ड में। यानी उस टाइम पे आपका अकाउंट से एनपीए का टैग हट जाएगा और आपका अकाउंट आ जाएगा स्टैंडर्ड अकाउंट में, ठीक है। लेकिन एक चीज पर्सनली मैं आपको बता दूं, लेट्स से कि आपने बैंक का 1 लाख रुपए दिया देना था, ठीक है। अगर आपने बैंक को 95,000 भी रीपे किया ना, मान लीजिए आपने 5,000 रुपए भी बचाए ना, तो भी आपका कोई बेनिफिट नहीं है। यानी अगर आपने देना है तो पूरा का पूरा पैसा दीजिए, तभी आपका जो सिबिल स्कोर है ना वो हिट नहीं करता। अगर आपने बैंक का 5 रुपए भी खाया ना तो भी आपका सिबिल स्कोर हिट कर जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी कारण की वजह से बैंक का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, उस केस में बैंक आपके साथ क्या करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बैंक क्या करेगा, मान लीजिए आपने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, सबसे पहले बैंक सिविल में रिपोर्ट करता है और आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सिविल एक सेंट्रल अथॉरिटी है। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपने पैसा नहीं दिया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिविल में रिपोर्ट करेगा, सिविल के पास आपका सब कुछ डाटा अपडेट हो जाएगा। कल को आप सोचो कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जाकर के लोन ले लूंगा, तो पहले बैंक ऑफ बड़ौदा लोन देने से पहले सिविल से आपका डाटा निकालेगा और उसमें आप डिफॉल्ट मिलोगे पिछले बैंक के साथ, तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको लोन नहीं देगा। यानी एक बार अगर आपने लोन डिफॉल्ट किया तो उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आपके ऊपर थप्पा लग जाएगा और आप कभी जिंदगी में लोन नहीं ले पाओगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, मान लीजिए ठीक है आपने 1 लाख रुपए लोन लिया था बैंक से, ठीक है। अब आप बैंक 1 साल हो गया आपने नहीं भरा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने जो लोन लिया था वो लोन लिया था कार के ऊपर, ठीक है, आपने कार लोन लिया था और अभी आपको बैंक को लेट से कि 2 लाख रुपए देने बचे हुए हैं, ठीक है, ठीके? आपने 1 साल से लोन नहीं दिया। अब बैंक वाले आपको अप्रोच करेंगे, सबसे पहले बैंक वाले क्या बोलेंगे कि पूरा का पूरा 2 लाख रुपए भर दो। आप बोलोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो बैंक सबसे पहले आपको एक ऑफर करेंगे सेटलमेंट के लिए, ठीक है। सेटलमेंट में वो बोलेंगे ठीक है 2 लाख नहीं है, तो जो भी सेटलमेंट होगी लमसम मान लीजिए आप हमें 1.5 लाख रुपए दे दीजिए और गाड़ी अपने पास रखिए, ये हो गई सेटलमेंट। अब जब आप सेटलमेंट करते हैं ना तो केस तो क्लोज हो जाएगा, अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन सेटलमेंट के टाइम पे सिविल स्कोर हिट करेगा, यानी दोबारा लोन लेने में किसी भी और बैंक से आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। ये तो होती है सेटलमेंट। अब मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि मैं सेटलमेंट का भी मेरे पास पैसा नहीं है, यानी आपने 2 लाख रुपए देने थे, आपके पास 1 या 1.5 लाख रुपया भी नहीं है देने के लिए, तो उस केस में बैंक क्या करता है, फिर टेक ओवर कर लेते हैं एसेट को। यानी बैंक वाले आएंगे,
घर से गाड़ी उठाएंगे, टो करेंगे और अपने पार्किंग यार्ड में लगा देंगे। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस एनपीए का। तो आई होप आपको कि आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।